तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, और काफ़ी कुछ जो पढ़ लिया है उसमें आपके राइट्स हैं काफ़ी सारे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए, चैप्टर आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करो, चाहे आप फिर ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम ही क्यों ना चूज़ करो, लेकिन अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर तो कभी ना कभी बनोगे ही। तो कंज्यूमर अगर आप बन रहे हो तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और आप जो है एक बेटर सिचुएशन में हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप खुद तो जानकारी रखोगे ही, साथ में और लोगों को भी जानकारी दोगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आगे के टॉपिक को हम बढ़ाते हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि वो वेज कौन से हैं, वो माध्यम कौन से हैं जिनसे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि हमें वो माध्यम पता होने चाहिए जिनके ज़रिए कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता है, वो मेथड्स हमें पता होने चाहिए, वेज हमें पता होने चाहिए। तो एक बार हम उन वेज के ऊपर नज़र डाल लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट आर दोज मार्क्स जो आपको माइंड में रखने हैं जब भी परचेजिंग करते हुए। देखिए, ISI मार्क, FPO मार्क, एग मार्क, इको मार्क, BSI हॉल मार्क, जब ये ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो इन मार्क्स का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप परचेजिंग कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और आती है आपकी कि वो कौन सी वेज हैं, मीन्स हैं जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो लेट्स रीड दैम, उनको देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस। यस, देखिए, एनलाइटेड बिजनेस फर्म्स रियलाइज दैट इट इज़ इन देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सर्व द कस्टमर एज वेल। यानी कि जो बहुत दिमाग वाले बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली, तो उनको पता होता है कि अगर लंबे टाइम तक आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना ही होगा और आपको एथिक्स को फॉलो करना ही होगा। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगा रहा है, हम अपनी मर्जी से, हम सेल्फ डिसिप्लिन में आकर अपने काम को कर रहे हैं। तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो सेल्फ रेगुलेशन से, यानी बिना किसी के दबाव के ही कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं और उन्हें सही क्वालिटी के स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती हैं। यही रीज़न है कि कई जो बिजनेस फॉर्म्स होती हैं अपने कस्टमर सर्विस सेंटर भी जो है खोल के रखती हैं, ग्रीवेंसेस भी उन्होंने खोल रखे होते हैं, ताकि कंज्यूमर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ईजिली सॉर्ट आउट किया जा सके। फिर सेकेंड जो है वेज और मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट इज़ बिजनेस एसोसिएशन। हाँ जी, कई बिजनेसमैन जो हैं खुद को एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना लेते हैं, यानी कि जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी एक प्रॉपर एसोसिएशन होती है जिसके वो मेंबर्स होते हैं, और उस एसोसिएशन के उनको रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि देखिए, द एसोसिएशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस लाइक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, यानी कि फिकी, या फिर आपका CII, तो ये क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना देते हैं अपने मेंबर्स को फॉलो करने के लिए। जो भी बिजनेसमैन इनका मेंबर होगा तो उन्हें इनके बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और कंज्यूमर्स जो हैं दे शुड बी वेल सेटिस्फाइड, और उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये जो बिजनेस एसोसिएशन हैं ये इस बात का ध्यान रखते हैं, और इनके जो मेम्बर्स होते हैं उन्हें भी अल्टीमेटली इन बातों का ध्यान रखना ही होता है। थर्ड है कंज्यूमर अवेयरनेस। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि अगर जो ग्राहक है उसको खुद ही अवेयर कर दिया जाए, उसको एजुकेट कर दिया जाए, तो इससे तो अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अ कंज्यूमर हु इज़ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम वुड बी इन पोजिशन टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि जो कंज्यूमर जिसे अपने राइट्स के बारे में पता है और अपने रिलीफ्स के बारे में पता है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आवाज़ उठा सकता है। देखिए, इन एडिशन टू दिस, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड ऑल्सो इनेबल अ कंज्यूमर टू सेव गार्ड हिज इंटरेस्ट। मतलब राइट्स और रिलीफ्स की ही बात ना करें, अगर एक कंज्यूमर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अगर हम ढंग से बता देते हैं तो वो ढंग से उसको एक्सरसाइज करेगा और अपने इंटरेस्ट की देखभाल करेगा, यानी कि कुछ भी अपने साथ गलत होने नहीं देगा, यानी कि वो दूसरे को ब्लेम करने से पहले तो अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा कि मेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने फुलफिल नहीं की।
ओके एंड द फोर्थ वन इज़ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। इस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में, रिलीफ्स के बारे में एजुकेट करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को फोर्स कर सकती हैं कि वो कोई भी गलत जो है काम ना करे और कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कई बार टाइम टाइम पर जो बिजनेस होते हैं उनके प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग भी करवाती रहती है, कंपैरेटिव टेस्टिंग करवाती रहती हैं ताकि कंज्यूमर्स के साथ में कुछ भी गलत ना हो। ओके फिफ्थ जो है एक रास्ता कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का, दैट इज़ गवर्नमेंट। यस गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी इनिशिएटिव लेती है कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जो है वो बनाया हुआ है 1800 114 000, जिसकी टाइमिंग है 9:30 to 5:30 PM। इसी लेके अगर किसी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी आवाज़ उठा सके। और इसी रीज़न से गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क भी बना रखा है इंडिया में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि कंज्यूमर्स का हर तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 3-tier system भी बना रखा है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन आते हैं जो कि कंज्यूमर्स के राइट्स को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गए वो रास्ते जिनसे कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया। अब आप लोगों ने देख लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वेज कौन से होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं, किन जरियों से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हो। गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बिजनेस का सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। ओके इसके बाद जो हमें एक्चुअल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें जो एक जुडिशरी प्रोवाइड करता है अपने अकॉर्डिंग, या जो 3-tier redressal system है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कंज्यूमर है कौन। बेसिकली हम जो कंज्यूमर जानते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जो बंदा कंज्यूम कर रहा है, मतलब गुड्स या सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर है, ये मानते हैं ना। जो हमारी नीड्स जिन चीज़ों से सेटिस्फाई हो रही है उसको अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वी आर कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसकी एक अलग से एक डेफिनेशन है, ठीक है। और उस डेफिनेशन के अलावा जो 3-tier redressal system है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, क्या उनका प्रॉपर प्रोसेस है, कैसे केसों का निपटारा किया जाता है, कितना अमाउंट के केस आप कहाँ पर दायर कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन में अपनी इस वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। नाउ लेट अस सी हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर होता कौन है, ठीक है, या कंज्यूमर कहते किसे हैं हम। देखिए अ कंज्यूमर इज़ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूज़ और कंज्यूम गुड्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज। यानी कि जनरली हम कंज्यूमर किसे मानते हैं, जो बंदा सामान कंज्यूम कर रहा हो तो इस्तेमाल कर रहा हो तो उसी को, या फिर सर्विसेज जो इस्तेमाल कर रहा हो तो उसी को हम कंज्यूमर बोलते हैं। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर हम जिसको बोलते हैं उसकी एक अलग ही डेफिनेशन है, देखते हैं वो क्या है। First, any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partially paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. It includes any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer, but does not include a person who obtains goods for resale or any other commercial purpose. यानी कि Consumer Protection Act के according वो बंदा जिसने सामान परचेज़ किया है किसी कंसिडरेशन के बदले में, या तो उसकी आधी पेमेंट कर दी है या आधी पेमेंट बाद में की जाएगी, या फिर फ्यूचर की किसी पेमेंट स्कीम के थ्रू उसने सामान परचेज़ किया है। अच्छा, इसके अलावा वो बंदा जो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी कि जिस बंदे ने सामान परचेज़ किया है उसकी सहमति से अगर आप उसका सामान इस्तेमाल कर रहे हो तो आप भी कंज्यूमर कहलाओगे। अच्छा, इसमें हम उस पर्सन को इंक्लूड नहीं करते हैं जो वस्तुओं को या जो गुड्स को रीसेल के पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहा है या फिर कमर्शियल पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। बाकी इसके अलावा वो बंदा जिसने परचेज़ किया है या आधी पेमेंट दे दी है, आधी फ्यूचर में देगा, या फिर वो बंदा जो उसकी सहमति से सामान को यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर कहलाएंगे। अच्छा, इस ये तो था गुड्स के रिगार्डिंग। अब सर्विसेज के रिगार्डिंग देख रहे थे, इसकी डेफिनेशन बी पार्ट, एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस। वो बंदा जो सर्विसेज को हायर करता है और अवेल करता है फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बदले में जो कि
पार्शली पेड कर दी गई है या पेड पूरी पे कर दी गई है, या फिर उसकी पेमेंट का प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में उसकी पेमेंट की जाएगी किसी स्कीम के थ्रू, जैसे कि गुड्स के मामले में था, ओके. अच्छा, ऐसी सर्विसेज को अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी कि जैसे एक बंदा पे कर रहा है लेकिन उसकी सहमति से कोई दूसरा बंदा उन सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बंदा भी कंज्यूमर कहलाएगा. लेकिन इसके अंदर वो बंदा बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा, अगेन जैसे हमने गुड्स के केसेस में था हमारा, इसके अंदर वो बंदा इंक्लूड नहीं होगा जो सर्विसेज को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है. ओके, तो ये थी हमारी कंज्यूमर की डेफिनेशन. बेसिकली कंज्यूमर डेफिनेशन में आपको ये पता चला कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो, ठीक है, कंसिडरेशन के बदले में, तो आप कंज्यूमर कहलाओगे. पेमेंट चाहे उसके अभी कर रहे हो चाहे बाद में, इट डजेंट मैटर, ठीक है. इसके अलावा कोई बंदा अगर आपकी सहमति से उन गुड्स और सर्विसेज को यूज़ कर रहा है तो वो भी कंज्यूमर कहलाएगा. लेकिन वो बंदा कंज्यूमर नहीं है जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, परचेज कर रहा है. ओके, अब हम देखते हैं कि थ्री टायर रिड्रेसल एजेंसीज क्या है, या फिर रिड्रेसल एजेंसीज क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. थ्री टायर मशीनरी के अंदर बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को लेते हैं, ठीक है, और इनसे भी ऊपर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसका भी जो एक रेफरेंस हम जरूर पढ़ेंगे. तो अब हम इनके बारे में पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है, किसके पास राइट है कंप्लेंट फाइल करने के लिए. तो लेट अस सी. फर्स्ट वन, एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर ओन एंड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ एडवोकेट और प्रोफेशनल. एक कंज्यूमर, एक सीधा साधा सा कंज्यूमर खुद भी जो है केस फाइल कर सकता है, उसके लिए उसे किसी भी वकील की या प्रोफेशनल को हायर करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, अगर कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है तो वो भी केस फाइल कर सकती है. थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कंज्यूमर्स के बिहाफ पे या खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकती है. इसके अलावा वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, एक या दो कंज्यूमर भी केस फाइल कर सकते हैं बाकी सब कंज्यूमर्स के बिहाफ पे जिनका सेम इंटरेस्ट है, सेम मुद्दा है. ओके, अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उत्तराधिकारी है, वो भी केस फाइल कर सकता है. आगे है अ कंप्लेन अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, कोई भी कंप्लेनेंट इस एक्ट के इस सेक्शन के सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लेनेंट है वो, ठीक है. अच्छा, ये सब हमने देख लिया. इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कैसे थ्री टायर मशीनरी जो है वो वर्क करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर. ओके, तो इसके अंदर बेटा बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं, एक आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. तो डिस्ट्रिक्ट फोरम अभी इंडिया में है 644, इसके अंदर एक प्रेसिडेंट के अलावा दो मेंबर्स और होते हैं जिनमें एक विमेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन सब के अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है. अच्छा, जब भी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल की जाती है तो उसके लिए एक बात ध्यान रखनी होती है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत या और उसके जो कंपनसेशन आप डिमांड कर रहे हो उसकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर 20 लाख से ज़्यादा है तब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन नहीं कर पाओगे. तो अप टू 20 लाख होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, ठीक है. आगे है प्रोसेस क्या है इसकी, कि जैसे ही कंप्लेंट रिसीव हो जाती है, देखिए लिखा है ना, ऑन द रिसीविंग ऑफ द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेंट इज फाइल. फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करता है कि जिस पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है उससे बात करता है, ठीक है, और अगर ज़रूरत लगती है तो उन गुड्स की सैम्पलिंग की जाती है, जो भी सैम्पल है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है लेबोरेटरी में. फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अपना ऑर्डर पास करती है. ओके, ऑर्डर पास करने के बाद जो एग्रीवी पार्टी है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, दोनों में से कोई सी पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो दे कैन मूव ऑन टू द स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन में वो जा सकते हैं. लेकिन ध्यान रखना होगा कि स्टेट कमीशन में कम से कम 30 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी ऑर्डर पास होने के बाद. अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा दिया तब आप स्टेट फोरम में अपील नहीं कर पाओगे.
ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्टेट कमीशन. अभी इंडिया में फिलहाल 365 स्टेट कमीशन्स हैं. स्टेट कमीशन के अंदर अगेन तीन मेंबर होते हैं जिनमें एक प्रेसिडेंट और दो अदर मेंबर्स होते हैं. अदर मेंबर्स में एक विमेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट इनको अगेन अपॉइंट करती है. ओके इस कंप्लेंट के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देती हूँ. वैल्यू होनी चाहिए 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में. अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है या कंपनसेशन की वैल्यू है तब आप स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेन कर सकते हो. ओके जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने केस किया था उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी आप स्टेट कमीशन के अंदर जा सकते हो अपनी अपील को लेके, जो मैंने आपको भी बताया था. ओके स्टेट कमीशन भी सेम वही तरीका अपनाता है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने केस किया है पहले तो उसको रिपोर्ट करेगा, वो उसको तलब करेगा, फिर उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो गुड्स को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए. उसके बाद स्टेट कमीशन अपना फैसला सुना देगा. तो अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो विद इन 30 डेज आप जो है नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो. तो ये सेम वही प्रोसीजर है जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम वाला था. ओके नाउ वी मूव ऑन टू द नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन जो है वो पूरी कंट्री का एक होता है, आप जानते ही हो. द नेशनल कमीशन के अंदर क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होता है, चार अदर मेंबर्स होते हैं जिनमें एक विमेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ओके तो अ कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द नेशनल कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इन द क्वेश्चन अलॉन्ग विद कंपनसेशन क्लेम्ड एक्सीड्स 1 करोड़. अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू और कंपनसेशन की वैल्यू मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा है तभी आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं. अच्छा स्टेट कमीशन के अकॉर्डिंग स्टेट कमीशन के फैसले से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो भी आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं. नेशनल कमीशन भी सेम वही जो पार्टी है उसके खिलाफ उसको तलब करता है, उसके बाद गुड्स की जो है सैम्पलिंग के लिए सैंपल को भेजा जाता है आगे टेस्टिंग के लिए और फिर नेशनल कमीशन अपना ऑर्डर पास करता है, ठीक है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है. ओके अच्छा एक चीज़ और, नेशनल कमीशन के फैसले से यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आगे कंप्लेंट नहीं कर सकते. नेशनल कमीशन से आगे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन्हीं केसेस के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो जो ओरिजिनली नेशनल कमीशन में आए थे. यानी कि ऐसा नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में था नहीं सेटिस्फाइड हुआ स्टेट में आ गया, नहीं सेटिस्फाइड नेशनल में आ गया, नहीं सेटिस्फाइड हुआ सुप्रीम में चला गया. नो ऐसा नहीं हो सकता. जो सबसे पहले नेशनल में आए थे और जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा थी सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज और केसेस नहीं जा सकते. तो ये था आपका 3-tier रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है. इसके अलावा अब जो आज आपने चीज़ पढ़नी है दैट इज़ रिलीफ्स अवेलेबल. कंज्यूमर्स को क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है. रिलीफ्स जो है वो ये है कि देखिए क्या जो है रिलीफ दिए जा सकते हैं. काफ़ी बात कर ली हमने कि क्या क्या जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सब आपको समझ में आ गए होंगे. फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अप टू 20 लाख अगर आपके कंपनसेशन और जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसका अमाउंट है तब तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में. अगर 20 लाख से 1 करोड़ है देन आप जाएंगे स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ से अगर आप है अमाउंट देन यू विल गो टू द नेशनल कमीशन. और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली वो जा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो जा पाएंगे जो केसेस डायरेक्टली नेशनल कोर्ट में फाइल हुए हैं, यानी कि 1 करोड़ से अबव जिसका अमाउंट है. वैसे तो स्टूडेंट्स 2019 का जो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपका अपग्रेड हुआ है तो उसमें सारी की सारी अमाउंट्स चेंज हो गई हैं. तो अगर कुछ ऐसा है देन वी विल लेट यू नो. बट अभी जो आपकी बुक में एनसीईआरटी का जो अपडेटेड वर्जन है उसमें भी 1986 के बारे में ही आपको बताया गया है, तो वी विल स्टिक विद दैट. अगर कुछ अपडेटेड होगा देन डेफिनेटली आई विल गिव यू सम पॉइंट्स अबाउट दैट ऑल्सो. ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर. आगे जो हमारे रहते हैं दीज आर द रिलीफ्स. क्या आपको रिलीफ्स क्या अवेलेबल हैं, आपके माइंड में आएगा कि हम इतनी जद्दोजहद करेंगे इतना सब करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है ना, तो क्या रिलीफ हमें अवेलेबल होने वाले हैं. तो डोंट वरी, बहुत सारे रिलीफ्स अवेलेबल हैं आपके पास. आपके केस की सीवियरनेस के अकॉर्डिंग देखते हुए आपको उनमें से कोई सा भी रिलीफ जो है आपको प्रोवाइड किया जा सकता है. कंज्यूमर फॉरम या कंज्यूम कोर्ट आपको उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिलीफ जो भी एक्ट लगता है वो अवेल करवा सकती है. उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम एनजीओज की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो काम करते क्या है, उनका मेन काम क्या है, तो उसको भी हम ज़रूर देखेंगे इस वाली वीडियो क्लिपिंग में. तो लेट सी दैट. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट वन इज़ टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और गुड्स और डेफिशिएंसी इन द सर्विस. अगर किसी चीज़ में, गुड्स में कोई डिफेक्ट है और सर्विसेज में डेफिशिएंसी है तो वो रिमूव हो, यानी कि उनमें जो भी कमी है उसको दूर किया जाए. सेकंड है या तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट देके. थर्ड है कि उसका पैसा लौटा दिया जाए, प्राइस रिफंड कर दिया जाए. फोर्थ है टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर को कोई लॉस या इंजरी हुआ है तो उसको कंपेंसेट किया जाए, रीजनेबल अमाउंट दिया जाए. फिर है टू पे पुनिटिव डैमेजेस टू अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस. अगर कोई सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं, जैसी भी सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग पुनिटिव डैमेजेस भी दिए जाए, यानी कि मे बी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सेलर है, प्रोड्यूसर है, उसको मे बी कुछ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. ओके, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर, यानी कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको रिमूव किया जाए और फ्यूचर में उसे ना किया जाए, यानी कि जो भी गलत आप काम कर रहे हो फ्यूचर में वो नहीं करना है, उसको अभी के अभी बंद करो. ठीक है, आगे है नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स फॉर सेल, यानी कि जो भी सेहत के लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं उन्हें आप सेल नहीं करोगे आगे से. एट पॉइंट आपका टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम द सेल, ऐसी चीज़ों को सेल से मार्केट से हटा भी लोगे, जो भी आपका सामान है उसको वापस ले लोगे मार्केट में से. आगे है टू सीज मैन्युफैक्चर फॉर हैजार्डस गुड्स एंड टू रेजिस्ट एंड टू डिजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजार्डस सर्विसेज, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको बिल्कुल सीज कर देना, यानी उसको बिल्कुल रोक देना इस टाइप की चीज़ें बनाने से और इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने से. आगे है कि जो भी मतलब अप्रोप्रिएट एक अप्रोप्रिएट सी अमाउंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को या कंज्यूमर वेलफेयर जो ग्रुप्स हैं उनको एज अ फाइन देना. ठीक है, अब वो अमाउंट क्या है कि वो अमाउंट किसी भी सिचुएशन में उस गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए बात हुई है उसके वैल्यू के 5% से कम नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा अमाउंट आपको कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद है कि अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी बढ़ा चढ़ा के दिखा रखी है जिसमें झूठ बोला गया है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एडवर्टीजमेंट आप हटाओगे फटाफट और उसकी जगह करेक्ट एडवर्टीजमेंट जो है वो आप पब्लिश करोगे. उसके बाद है जो भी अप्रोप्रिएट पार्टी है जिसने इतना केस किया, ठीक है, और इतना आपकी आपकी वजह से परेशानी झेली, तो उसको अप्रोप्रिएट कॉस्ट एक प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करनी पड़ सकती है. अच्छा, ये तो सारे रिलीफ्स थे. ठीक है, ये सारे रिलीफ्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी इनमें से जो भी रिलीफ एक्ट लगता है वो रिलीफ एक कंज्यूमर को मिल सकता है. नाउ वी हैव टू सी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का या एनजीओस का क्या रोल है कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स के लिए, तो हम देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स. जो एनजीओस होते हैं वो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के लिए अवेयर करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं. ठीक है, इसके लिए वो टाइम टाइम पर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह सब अरेंज करते रहते हैं. इसके बाद क्या है कि उनको मैगजीन, पीरियडिकल्स वगैरह छापनी चाहिए जिसमें सारे इंसिडेंट्स मेंशन होने चाहिए कि भाई किस किस कंज्यूमर के साथ गलत हुआ, तो उसके लिए केस किया तो क्या हुआ, जिसको पढ़ के बाकी लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आती है. थर्ड पॉइंट है कि जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उनकी टाइम टाइम पर आप टेस्टिंग करवाओ. ठीक है, एनजीओ ये काम भी करते हैं कि उनकी टेस्टिंग करवाते हैं लैब्स में और जो भी रिपोर्ट होती है उसको फिर पब्लिश करते हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें. उसके बाद है कंज्यूमर को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने के लिए ये एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और प्रोड्यूसर की अनस्क्रपुलस एक्टिविटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उनको हेल्प करते हैं. अच्छा, अगर कंज्यूमर्स को कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा ये क्या करते हैं कि कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कई बार केस भी लड़ते हैं जो एनजीओज हैं. और जो लास्ट पॉइंट है आपका, दैट इज़ कि ये सिर्फ एक कंज्यूमर के बिहाफ पे नहीं, कई बार पूरे कम्युनिटी यानी कि पूरे जो जनरल पब्लिक है उसके बिहाफ पर भी कई बार केस लॉन्च कर देते हैं. तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर्स को न्याय दिलाने के लिए.
हम लोगों ने अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो सबको अट्रैक्ट करता है, कोई अगर साइंस, मैं जैसे बता ही चुकी हूँ साइंस स्ट्रीम का है तो उसको भी ये चीज़ें काम में आने वाली हैं, आर्ट्स स्ट्रीम का है उसको भी, बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग इन टू सम बिजनेस या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में जाने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ मैन्युफैक्चरर या फिर एज अ रिटेलर या जो भी आप जिस भी कॉमर्स के फील्ड में हो। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वी विल लर्न और रीड सम केस स्टडीज़, कुछ केस स्टडीज़ हम लोग देखेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ होंगी, आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा उनको सॉल्व करते हुए। तो तब तक के लिए आई वुड जस्ट से कि आप लोग पढ़िए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका एंडिंग वीडियो है इस चैप्टर का, और समझिए इसको। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। हाँ, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है आपकी वीडियो बनने के लिए। सो बाय।